गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक है वो पढ़ा था। आज अपन आवर्त सारणी के अंदर पढ़ेंगे पी ब्लॉक। अब देखिए, पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, किसमें? पी उपकोष में। इस आधार पर इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो पी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं उनमें पी उपकोष में भरा जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इस आधार पर इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब यहां पे एक तत्व ऐसा है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में नहीं भरा जाता, वो है हीलियम, ठीक है? तो अपन हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पी ब्लॉक का तत्व नहीं कह सकते, लेकिन इसके जो अन्य गुण हैं वो अन्य स्थायी गैसों के समान होते हैं, इसलिए इनको अन्य स्थायी गैसों के साथ पी ब्लॉक के 18वें वर्ग में रखा गया है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, है ना? तो आप देख सकते हो इसमें इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में नहीं होता, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन हीलियम को पी ब्लॉक का तत्व नहीं कहेंगे, ठीक है? अब देखिए, अपन को पता है कि जो पी उपकोष है, कोई भी पी उपकोष हो उसमें तीन कक्षक होते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। तो पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कितने? 6, ठीक है? इस आधार पर पी ब्लॉक में 6 वर्ग शामिल किए जाते हैं। तो पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, इस आधार पर पी ब्लॉक में कितने वर्ग शामिल किए गए हैं? 6 वर्ग। तो इस आधार पर पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं। अब पी ब्लॉक के 6 वर्ग हैं वो कहां से कहां तक हैं? 13वें वर्ग से लेकर के 18वें वर्ग तक। तो पी ब्लॉक में 6 वर्ग है वो 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक 6 वर्ग है वो पी ब्लॉक में शामिल किया जाता है। अब देखिए, जो 13वां वर्ग है वो इस प्रकार से है, ये 13वां वर्ग हो गया, 14वां वर्ग इस प्रकार से है, 15वां वर्ग इस प्रकार से है, 16वां वर्ग इस प्रकार से है,
17वां वर्ग इस प्रकार से है, और जो 18वां वर्ग है वो इस प्रकार से है। तो ये पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं वो शामिल किए जाते हैं 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक। अब देखिए बोरोन का परमाणु क्रमांक 6, अब बढ़ते परमाणु क्रमांक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आपको बता चुके हैं 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हीलियम है, हीलियम का होता है कितना 2, नियोन तक 10 हो गया, एल्यूमिनियम का होता है 13, है ना, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। गैलियम, ये है गैलियम जिसका होता है 31, गैलियम का होता है 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। फिर है ये इंडियम, इंडियम इसका होता है 49, 50, 51, 52, 53 और ये 54। टीएल, ये है थैलियम, टीएल थैलियम इसका होता है 81, तो 82, 83, 84, 85 और ये 86, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पी ब्लॉक के तत्व हैं और इनके परमाणु क्रमांक हैं। अब देखिए इनका ये जो परमाणु क्रमांक है इनका तरीका आप आसानी से सीख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि 13वें वर्ग में कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। 13वें वर्ग में कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। और अपन ने बताए थे मैजिक नंबर इस प्रकार से होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। अपन ने कहा था कि यदि वर्ग में 7 तत्व होते हैं तो सारे के सारे 6 मैजिक नंबर काम आते हैं, यदि वर्ग में 6 तत्व होते हैं तो 5 मैजिक नंबर काम आते हैं, ऊपर वाला हटा देते हैं, और यहाँ वर्ग में कितने तत्व हैं, 5, तो 5 तत्व हैं तो कितने मैजिक नंबर काम आएंगे, 4, यानी शुरू वाले 2 हटा देंगे, शुरू वाले 2 हटा दिए। अब जो वर्ग का पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक अपन को पता होना चाहिए, तो यहाँ पहला तत्व है बोरोन, तो बोरोन का कितना होता है 5, अब 5 में जोड़ दो ये मैजिक नंबर पहला 8, तो 5 और 8, 13, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक हो गया 13। फिर 13 में जोड़ दो 18, 13 और 18, 31, तो गैलियम का हो गया 31। फिर 31 में जोड़ दो 18, 31 और 18, 49, तो इंडियम का हो गया 49। फिर 49 में जोड़ दो 32, 49 और 32, 81, तो थैलियम का हो गया 81, है ना। तो इस प्रकार आप इन सभी का परमाणु क्रमांक है वो पता कर सकते हो।
अब ये जो 18वां वर्ग है इसमें आप देख सकते हो 6 तत्व हैं। 18वें वर्ग में कितने तत्व हैं? 6 तत्व। अब 6 तत्व हैं तो मैजिक नंबर कितने काम आएंगे? 5। ये मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो 6 तत्व हैं तो 5 मैजिक नंबर काम आएंगे, ऊपर वाला 2 है वो कैंसिल कर देंगे। तो इसका पहला तत्व है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2। 2 में जोड़िए 8, 2 और 8, 10, नियोन का हो गया 10। फिर 10 और 8, 18, ऑर्गन का हो गया 18। फिर 18 और 18, 36, क्रिप्टोन का हो गया 36। फिर 36 और 18, 54, जीनोन का हो गया 54। फिर 54 और 32, 86, तो रेडोन का हो गया 86। तो इस प्रकार से आप इनका परमाणु क्रमांक है वो पता कर सकते हो। अब देखिए, इन वर्गों के तत्वों के प्रतीक याद करने के तरीके। अब जो 13वां वर्ग है इसके लिए अपन लाइन देख सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन के लिए बी, आलू के लिए AL, गाजर के लिए GA, इनके लिए IN, थैला के लिए TL। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, इससे आप 13वें वर्ग को ध्यान में रख सकते हो। 14वें वर्ग के लिए लाइन काली सी गीता सुंदर परवीन बॉबी, काली सी, सी एस आई, गीता जी ई, सुंदर एस एन, परवीन बॉबी पी बी, ठीक है। तो 14वें वर्ग के लिए लाइन हो जाएगी काली सी गीता सुंदर परवीन बॉबी। 15वें वर्ग के लिए नहीं पापा ऐसे सबको बिठाओ, नहीं पापा ऐसे सबको बिठाओ, नहीं से एन, पापा से पी, ऐसे एस, सबको एस बी, बिठाओ बी आई। फिर 16वें वर्ग के लिए ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 13 फुट दूर है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 13 फुट दूर है, ऑस्ट्रेलिया ओ, श्रीलंका एस, से एसी, 13 TE, फुट PO, ठीक है। 17वें वर्ग के लिए फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर F, कल CL, बाहर BR, I, आत्मा AT। 18वें वर्ग के लिए हरभजन नेहरा आगरकर 0 रन, यानी ये क्रिकेट से संबंधित है। हरभजन नेहरा आगरकर तीनों क्रिकेटरों के नाम है, 0 रन, हरभजन नेहरा आगरकर 0 रन, हरभजन HE, नेहरा NE, आगरकर में 2 है, आगर AR, कर KR, आगरकर 0 XE, रन RN, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रख सकते हो। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब अपन इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो देखिए, इनमें ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? P
पी उपकोष में, और पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 6, यानी यहाँ पी में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यदि अपन पूरे पी ब्लॉक की बात करें संपूर्ण पी ब्लॉक की बात करें संपूर्ण पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो संपूर्ण पी ब्लॉक की बात करें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2 NP 1 से लेकर 6। तो ये पूरे पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, NH2 NP 1 से लेकर 6, यानी इनमें बाह्यतम S में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम P में हो सकते हैं 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, तो ये संपूर्ण P ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यदि अपन इनके अलग अलग वर्गों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 13वें वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP 1, तो 13वें वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP 1, यानी इनके बाह्यतम S में होंगे 2 और बाह्यतम P में होगा 1, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, P में। 14वें वर्ग के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो NH2 NP 2। 15वें वर्ग के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP 3। 16वें वर्ग के लिए NH2 NP 4। 17वें वर्ग के लिए NH2 NP 5 और 18वें वर्ग के लिए NH2 NP 6। तो ये इन 6 वर्गों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाह्यतम NS में है सभी में 2-2 और बाह्यतम P यानी NP में है 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, इसलिए पूरे P ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NH2 NP 1 2 6। अब यहां पे हीलियम है, हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम का तो होता है 1s2। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो 18वें वर्ग के बाकी जितने भी तत्व हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पालन करते हैं NH2 NP 6। ठीक है, अब देखिए जो 13वां वर्ग है इसको कहा जाता है बोरोन परिवार। तेरहवें वर्ग को बोरोन परिवार कहा जाता है क्योंकि इस वर्ग का पहला सदस्य है बोरोन। 14वां वर्ग है इसको कार्बन परिवार कहा जाता है क्योंकि इसका पहला तत्व है कार्बन। जो 15वां वर्ग है 15वें वर्ग को कहा जाता है निकोजन। 15वें वर्ग को क्या कहा जाता है, निकोजन कहा जाता है क्योंकि अब इनको निकोजन कहने का कारण क्या है, क्योंकि इनका उपयोग अर्धचालकों के निर्माण में किया जाता है। तो 15वें वर्ग के तत्वों का उपयोग अधिकांशतः अर्धचालकों के निर्माण में किया जाता है, इसलिए 15वें वर्ग को क्या कहते हैं, निकोजन कहते हैं। 16वें वर्ग को कहा जाता है चैलकोजन। 16वें वर्ग को क्या कहते हैं,
चैलकोजन वर्ग कहते हैं। अब इसको चैलकोजन वर्ग कहने का कारण है कि अधिकांश जो अयस्क है, अधिकांश अयस्क वो सोलहवें वर्ग के तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। तो पंद्रहवें वर्ग को निकोजन कहा जाता है अर्धचालकों के निर्माण के कारण, और सोलहवें वर्ग को चैलकोजन कहा जाता है अयस्क निर्माण के कारण। ठीक है, सत्रहवें वर्ग को कहा जाता है हैलोजन, सत्रहवें वर्ग को क्या कहते हैं, हैलोजन वर्ग कहा जाता है। यानी सत्रहवें वर्ग के जितने भी तत्व हैं इनको संयुक्त रूप से हैलोजन कहेंगे, और इनको हैलोजन कहा जाता है लवण निर्माण के कारण। तो हैलोजन इनको कहा जाता है लवण निर्माण के कारण। अठारहवां वर्ग है, अठारहवें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहा जाता है, स्थाई गैस वर्ग भी कहा जाता है, अक्रिय गैस वर्ग भी कहा जाता है, और नोबल गैस वर्ग भी कहा जाता है। तो 18 वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं, स्थाई गैस वर्ग भी कहते हैं, अक्रिय गैस वर्ग भी कहते हैं, नोबल गैस वर्ग भी कहते हैं। कारण है, यहाँ पे जितने भी तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनका अपन ने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया NH2NP6। तो इनके बाह्यतम कोष में आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, NS में 2, NP में 6। तो इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनका अष्टक है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। तो इनका अष्टक पूर्ण होने के कारण ये अक्रियशील होती है। इनका अष्टक पूर्ण होता है यानी ये क्या होती है, स्थाई होती है। अब जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थाई होते हैं। तो इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं NH2NP6 से, तो इसलिए ये स्थाई गैसें हैं, इसलिए इनको स्थाई गैस कहा जाता है। अब ये स्थाई होने के कारण क्रियाशील नहीं होती, अक्रियाशील होती है, इसलिए इनको अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। और इनकी संयोजकता है वो शून्य होती है ना, यानी ये अक्रिय होती है तो किसी के साथ बंध का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इनका अष्टक क्या है, पूर्ण है। तो इनकी संयोजकता शून्य, यानी इनको शून्य वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, इस कारण से इनको ये नाम है वो दिए जाते हैं। तो ये जो पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें गैस, द्रव और ठोस, पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें गैस, द्रव और ठोस तीनों भौतिक अवस्था के तत्व हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अपन देखें कार्बन है वो क्या हो गया, ठोस। एल्यूमिनियम है ठोस। अब यहाँ पे यदि अपन देखें ब्रोमीन, क्या ब्रोमीन, ब्रोमीन है वो द्रव होता है। और ये जो गैसें हैं, ऑक्सीजन क्या है, गैस है,
नाइट्रोजन क्या है? गैस है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, ये क्या है? गैस है। तो पी ब्लॉक में गैस, द्रव, ठोस सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु। पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है ना। और ये जो आप यहां से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो तत्व है ये क्या है? उपधातु है, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल तीनों टाइप के तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आपके पी ब्लॉक के बारे में नॉर्मल जानकारी थी। आगे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।